Hey guys, this is Shobhit और वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमारा नया बैच स्टार्ट हो चुका है IMUCT और स्पॉन्सरशिप के लिए जो कि अगस्त 2024 के लिए है। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो फटाफट हमारे नंबर पे कॉल करो, दैट इज 9140191138। इसके अलावा काफी सारे मास्टर क्लासेस भी हो रहे हैं, उनको भी ज्वाइन कर सकते हो जो कि कम्प्लीटली फ्री है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे शोभित और आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो एंग्लो ईस्टर्न की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंग्लो ईस्टर्न का क्राइटेरिया आप सभी लोगों को ऑलरेडी पता होगा, हम जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिस्कस पहले भी कर चुके हैं। अगर नहीं भी पता होगा तो मैं अभी फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पे PCM जो है आपका 70% चाहिए होता है 12th क्लास में। एज तो 24 तक जा सकती है लेकिन PCM आपका 70% होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा एंग्लो ईस्टर्न का फॉर्म आ चुका है, आप सभी लोगों के पास लिंक होगा। अगर आपके पास लिंक नहीं है तो अभी मैं आपको ये सजेस्ट कर देता हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक ले सकते हो, नहीं तो मैं कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा। उसके बावजूद भी अगर आपको कहीं से लिंक नहीं मिल पाता है तो एक चांस और भी है कि आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो या कॉल कर सकते हो, नंबर है 9140191138। वहाँ पर जाकर के आप इस फॉर्म का लिंक ले सकते हो। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का पेज ओपन होकर के आ जाएगा, जो जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा पेज ओपन होकर के आ जाएगा जिसमें आपका नाम और एक कोड डालने के लिए बोलेगा। कोड आप डाल दोगे तो फिर उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओगे। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें पहले ही देख लेते हैं यार। सबसे पहले ये आपकी एलिजिबिलिटी चेक करने के बारे में बोल रहा है। यहाँ पे आपका आधार नंबर डालेगा, गेट रिकॉर्ड से आपको मिल जाएगा, रिकॉर्ड मिल जाएगा उसका। आधार कार्ड की कॉपी आपको अपलोड करनी पड़ेगी, डेट ऑफ बर्थ बतानी पड़ेगी, कैटेगरी बतानी पड़ेगी ताकि वो आपको बताए कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। उसके बाद फिर दूसरी चीज़, क्योंकि ये इस तरीके के फॉर्म हम पहले बहुत बार फिलअप कर चुके हैं इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो इसके बाद में आएंगे, बिल्कुल लास्ट में आएंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद आते हैं पर्सनल डिटेल्स पे। तो पर्सनल डिटेल्स में जहाँ जहाँ पे भी ये रेड कलर का स्टार दिख रहा है वो सब कुछ आपको फिल करना है, फर्स्ट नेम, सर नेम, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ एंड एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें, ठीक है। CET एप्लीकेशन नंबर पे उसने भी क्लिक नहीं कि मतलब वैसा स्टार मार्क नहीं बनाया है, तो वो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि सबने CET का फॉर्म फिलअप भी नहीं किया है। तो इस तरीके से आपको ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे फिलअप करनी है। एंड देन आप आगे आओगे तो ब्रदर एंड सिस्टर का डिटेल है जिस पे स्टार मार्क नहीं है, आप नहीं भी फिल करना चाहोगे तो भी चलेगा। फिर हम आते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल पे। कॉन्टैक्ट डिटेल में जहाँ जहाँ पे भी स्टार मार्क बने वो सारी चीज़ें आपको फिलअप करनी है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन ध्यान से देखना, जिन लोगों ने 12th कर लिया है उनको अपना स्कूल, यूनिवर्सिटी, पासिंग ईयर ये सब डालना है। जो अभी 12th क्लास में है, 12th अपीयरिंग स्टूडेंट है, वो यहां पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद अपनी डिटेल फिल करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ अदर डिटेल्स हैं, हाइट, वेट, BMI, ये सारी चीज़ें हैं। आपने पहले अप्लाई किया है कि नहीं किया, अगर पहले अप्लाई किया है तो यस ही डालना, क्योंकि देखो आधार कार्ड तुम्हारे पास एक ही और उनके पास रिकॉर्ड होगा, कई बार वो इंटरव्यू में भी रिकॉर्ड निकलवा लेते हैं, कई बच्चों के साथ ऐसा हो चुका है, इसलिए ओवर स्मार्ट मत बनना, पहले ही बता देना। और जो 12th अपीयरिंग है वो तो डेफिनेटली यस वस कुछ नहीं डालेंगे, यहाँ पे नो ही डालेंगे। उसके बाद छोटी छोटी और इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के बाद आप सीधा सबमिट पे जाओगे, थोड़ा बहुत फीस पेमेंट करने की फॉर्मेलिटीज़ होंगी, वहाँ से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा कई बच्चे बोलते हैं कि सर ये बताइए कि एंग्लो ईस्टर्न के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो मैंने AEMA टाइप किया, यहाँ पे एंग्लो ईस्टर्न की ही वेबसाइट आ गई है। सबसे पहले आपको इस पे ही जाना है, हमेशा याद रखना आपको इस पे। फिलहाल तो ये फॉर्म ही खुल गया वैसे, मैं आपको हाँ देखो फॉर्म खुल गया, तो ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सारी चीज़ें आ रही है ना, ये करना है। बट एनीवे मैं आपको एक बार ये दिखा देता हूँ कि अगर हम लोगों को ये चेक आउट करना होगा AEMA, मैं यहाँ पे सर्च करके दिखा देता हूँ प्रॉपरली गूगल सर्च करके। ये देखो ये है ना बेस्ट कॉलेज फॉर मर्चेंट नेवी, सो आई एम नॉट गोइंग फॉर दिस, सो मैं यहाँ पे डालता हूँ, या DNS के लिए डाल दो, हाउ टू अप्लाई DNS के लिए डाल दो, यहाँ पे आ जाओ। तो DNS पे जाओगे तो ये आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन DNS के बारे में बता देगा, मतलब जितनी भी वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है और क्या चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें वो आपको यहाँ पे ही बता देगा, ठीक है। देखो ये DNS ओपन होकर के आ गया है, अपना एलिजिबिलिटी यहाँ पे देखो क्लियरली देख लो, सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट, हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, मतलब कि क्लास 12th की बात करी जा रही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होना चाहिए, 70% मार्क्स एंड 65% एग्रीगेट, ठीक है। ये यहाँ पे पहले लिख दिया इन्होंने, अगर आप BSc करके आ रहे हो तो भी एज एन इंडिविजुअल सब्जेक्ट इन वन ऑफ द ईयर विल बी एवरेज ऑफ नॉट लेस देन 65% मार्क्स इन फाइनल ईयर, फाइनल ईयर में 65% से कम नहीं होना चाहिए, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी का होना चाहिए, मस्ट हैव पास 10+2 एग्जामिनेशन विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स,
PCM फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड, और उसमें भी 65% होना चाहिए। बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम BSc देकर के जा रहे हैं, अगर हमारा 12th में PCM लेस देन 65 भी होगा तो भी चल जाएगा, तो ऐसा इस केस में पॉसिबल नहीं है। इस चीज़ के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आप BE और BTEC की डिग्री करके भी आ सकते हो, लेकिन वहाँ पे भी 10+2 PCM जो है 65% के ऊपर ही होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इंग्लिश में इनको 60% मार्क्स चाहिए होते हैं। एज लिमिट में देखो 25 साल तक हो सकता है, लेकिन उन्होंने बताया हुआ है कि 1 फरवरी एंड 1 अगस्त ड्यूरिंग एवरी ईयर कहाँ से कैलकुलेट, द मैक्सिमम एज ऑफ द कैंडिडेट शुड बी 25 ईयर्स ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कोर्स, मतलब जिस दिन कोर्स कमेंस हो रहा होगा तब तक 25 साल से कम एज होनी चाहिए। फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड आप यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हो। IMU CT का एंट्रेंस टेस्ट देना अनिवार्य है, ज़रूरी है, ये आपको देना ही देना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, फॉर्म कैसे फिलअप करना है मैंने आपको बता ही दिया है। अब मैं आपको एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। वो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप एग्ज़ाम देने वाले हो, अगर आप 12th क्लास के बच्चे हो, 12th में अभी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, बोर्ड के एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो जो स्लॉट फिल करोगे वो अभी फेब या मार्च का मत फिल करना, बल्कि अप्रैल का फिल करना, ताकि आपको एक महीने में थोड़ी रिटर्न की प्रिपरेशन का टाइम मिल जाए। और जो बच्चे 12th ऑलरेडी कर चुके हैं, 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं या 6 महीने से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको मैं सजेस्ट ये करूँगा कि वो पहला स्लॉट ही बुक कर दें, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि सपोज़ करो कि अगर बाई चांस आपका फर्स्ट स्लॉट में नहीं हो पाता है बाई चांस, तो आपको 90 डेज के बाद फिर से चांस मिलेगा। तो अगर मान लो फेब में नहीं हो पाया, तो मार्च अप्रैल मे एंडिंग में आपको एक बार और चांस मिल पाएगा रिटर्न एग्जामिनेशन देने का, ठीक है। बट अगेन इट इज़ ऑल अप टू यू। कई बच्चे फर्स्ट स्लॉट में भरते हैं, कभी कभी कुछ बच्चे सेकंड में भी डालते हैं, थर्ड में भी डालते हैं, तो तुम्हारी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग है। अगर तुम पहले से प्रिपरेशन करते चले आ रहे हो तो फर्स्ट भर सकते हो, नहीं तो सेकंड भी भर सकते हो, इट इज़ ऑल योर चॉइस। कई सारे बच्चों ने हमारे यहाँ पे फॉर्म भरा है, उनका 29th ऑफ फेब का एक स्लॉट आया है, तो हम लोग अभी उसी के लिए प्रिपरेशन कराने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एंग्लो ईस्टर्न के लिए प्रिपरेशन करते हैं, जो भी बच्चे एंग्लो ईस्टर्न के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हम जल्दी एक मास्टर क्लास लेकर के आने वाले हैं, जिसमें हम एंग्लो ईस्टर्न का एक पेपर सॉल्व करके दिखाएंगे। पेपर मेमोरी बेस्ड पेपर है, जो भी बच्चे एग्जाम देने जाते हैं उनको जो क्वेश्चन याद रह जाते हैं उससे हमने एक पेपर बनाया है, तो वो पेपर हम फ्री में सभी बच्चों को सॉल्व कराएंगे। उसके अलावा बाकी सारी की सारी प्रिपरेशन तो एज इट इज चल ही रही है, रिग्रेस प्रिपरेशन है, काफी सारे इंटरव्यूज भी होंगे, एक एक बच्चे के 15-15, 20-20 इंटरव्यू कम से कम होंगे, दैट इज नॉट फ्री, उसके लिए फीस पे करनी पड़ेगी। फ्री में सिर्फ एक पेपर ही कराएंगे हम लोग, दैट इज मास्टर क्लास वाला पेपर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम करने वाले हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे हमारे यहाँ से काफ़ी सारे कॉल्स किए जा रहे हैं बच्चों को प्रिपरेशन के लिए या उनके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो बहुत बच्चे एक मिथ लेकर के बैठे हुए हैं एंग्लो ईस्टर्न को लेकर के, कि सर वहाँ पे तो वो केस आता है, वहाँ पे तो मीडिया में आया है, वहाँ पे तो सेफ्टी नहीं है। देखो यार, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे फ्लीट्स होते हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं, कई लोगों की अपनी अपनी जगह की प्रॉब्लम्स होती हैं। कोई कंपनी तो कभी ऐसा नहीं करती है कि किसी ऑफिसर के ऊपर कुछ इस तरीके की चीज़ें करे, कभी ऐसा नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से इन सब चीज़ों को थोड़ा साइडलाइन करो और अपने करियर के ऊपर फोकस करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, अपनी प्रिपरेशन के ऊपर फोकस करो। और इसके अलावा अगर कोई और डाउट्स आते हैं तो यू कैन कॉल अस एट 9140191138 एंड विद दिस इन्फॉर्मेशन शोभित साइनिंग ऑफ। ऑल द बेस्ट गाइस।